हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस, जिसको आप लोग हिंदी में कला एवं संस्कृति के नाम से भी जानते होंगे। क्लासेस IAS और PCS दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोगों के लिए PT और MS दोनों के लिए प्रिपेयर कराया जाता है, प्रॉपर नोट्स भी बनवाए जाते हैं। आज हम लोग देखेंगे आर्ट एंड कल्चर में यहाँ पर मंदिर स्थापत्य कला के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे मंदिरों के पीछे उद्भव के कारण क्या है, संकल्पना के बारे में बात किए थे, और मंदिरों को जो भूमिका है हमारे समाज के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, इन सभी चीजों के बारे में सब विस्तार में हम लोग डिस्कशन किए थे। ओके, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, यानी कि क्लास नंबर 8 आज होने वाली है। इसमें हम लोग देखेंगे मंदिर शैली के बारे में, यानी कि मंदिर है वो किस किस प्रकार से बनाए जाते हैं, भारत में आपको किस प्रकार की शैलियां देखने को मिलेगी, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हम लोगों ने यहाँ पर 3 बैच फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए लॉन्च किया है। इसमें एक UPPCS, एक BPCS और एक UPSC यानी कि IAS, यहाँ पर बैच 3 बैच लॉन्च किए गए हैं। जाकर के आप लोग वीडियो देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, आपको इस तरह से एक थंबनेल लगा हुआ होगा, जाकर के देख लीजिए, जिसमें सविस्तार में आपको बताया गया है। वहां पर एक फॉर्म आपको फिल करना होता है, सैकड़ों लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया और सैकड़ों लोगों ने वहां पर जाकर कमेंट कर दिया है। आप लोग भी जाकर के जल्द से कमेंट करते हो, फॉर्म फिल कर दे, क्योंकि ये बैच 27 जून से स्टार्ट हो रहा है। आप लोग भी आकर के इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको छोटा सा एक काम करना होगा, जाकर के वहां पर कर दीजिए। ओके, और देखिए जो हमारा 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, तो इसको भी आप लोग जल्द से जल्द पूरा कर देंगे। आप लोग देख रहे हैं कि इतनी तेजी से आप लोग सब्सक्राइब और अपने चैनल को प्यार दे रहे हैं, इसी तरह से आप लोग प्यार देते रहिए। आप लोगों के लिए सब कुछ हम लोग प्रीमियम कंटेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अभी लाते रहेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर जिन लोगों ने सेकंड फाउंडेशन बैच और साथ में अचीवर बैच में जिन लोगों ने एडमिशन लिया है, उनकी आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस चल रही है। आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि जो 27 जून से जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं उनकी क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है, नहीं, उनकी क्लासेस नहीं स्टार्ट की गई, उनकी क्लासेस हैं वो अलग से स्टार्ट की जाएंगी। यहाँ पर हम जो क्लासेस देख रहे हैं, सेकंड फाउंडेशन बैच और अचीवर बैच की कुछ क्लासेस हमारी रह गई हैं, उन्हीं क्लासेस को यहाँ पर हम यूट्यूब पर कवर कर रहे हैं, और मैक्सिमम क्लासेस हम लोग की ऐप पर ही कवर करा दी गई है। किसी टेक्निकल रीजन की वजह से वहां पर क्लास ऐप पर नहीं ली जा रही है। ओके, तो जिन लोगों ने हमारी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो लोग हमारी ऐप को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं मंदिर स्थापत्य कला के बारे में। देखिए मंदिर होता है जैसे कि आपके जो भवन होते हैं, ओके, उसी तरह से मंदिर होता है, लेकिन मंदिरों के निर्माण की आपको शैली देखने को मिलेगी। भारत इतना विशाल है तो भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग शैलियों में मंदिरों का निर्माण किया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे जिस तरह से आप लोग ये मंदिर देख रहे हैं, तो देखिए इसका एक तरह से आप समझ सकते हैं क्या ब्लू प्रिंट है। ओके, जैसे वो चोर वाली मूवियों में दिखाया जाता है, उसमें ब्लूप्रिंट की जरूरत पड़ती है, तो हमने भी मंदिर का क्या ले लिया, एक ब्लूप्रिंट ले लिया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ आपको मंदिर देखने को मिलेगा, जहाँ पर एक गर्भगृह होता है। गर्भगृह में यहाँ पर जो भगवान होते हैं उनकी जो मेन मूर्ति होती है उसको स्थापित किया जाता है गर्भगृह में। और इसके अलावा आप लोग ऊपर इस तरह से देख सकते हैं कि कलश होता है, आमलक होता है। ओके, देखिए इस तरह से संरचनाएं, आमलक है, शिखर है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। अर्ध मंडप क्या होता है, मंडप क्या होता है, निरत मंडप क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में। तो देखिए इस तरह से कुछ रियल में आपको मंदिर देखने को मिलेगा। ओके, तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, हम सभी चीजों के बारे में सविस्तार से आज बात करेंगे। और मंदिरों के दीवारों पर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी चित्रकलाएं, वो यहाँ पर पेंटिंग्स हैं वो यहाँ पर उतारी जाती हैं, मूर्तियां हैं वो बनाई जाती हैं। तो मंदिरों के अंदर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लास्ट लेक्चर में हम आपको बताए थे मंदिरों की विस्तृत भूमिका के बारे में। ओके, तो आप लोग देखेंगे कि हमारा जो भारत है इतना विस्तृत है, तो इस तरह से हमारे भारत, देखिए अगर हम भारत का मैप बनाए कुछ इस तरह से, तो देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक विंध्यन शिरडी देखने को मिलेगी, और इधर आपको एक कृष्णा नदी देखने को मिलेगी। तो देखिए विंध्यन रेंज से ऊपर, और इधर आपको इस तरह से हिमालय देखने को मिलेगा। तो देखिए जो हिमालय है, हिमालय से लेकर के विंध्यन शिरडी तक जिस शैली में मंदिरों का निर्माण किया जाता है उसको हम बोलते हैं नागर शैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम नागर शैली बोलते हैं। तो देखिए नागर शैली हम कैसे बोल रहे हैं, इसकी कुछ विशेषताएं होती होंगी, उन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम बता रहे हैं कि ये नागर शैली में इधर मंदिर बनाए जाते हैं। तो आप लोग इधर देख भी सकते हैं इस तरह से नागर शैली में मंदिरों का निर्माण किया जाता है। और फिर आप लोग जाएंगे यहाँ पर कृष्णा नदी आपको देखने को मिलेगी, जो कृष्णा घाटी के बाद, और इधर कन्याकुमारी, इस बीच में जिन मंदिरों का निर्माण जिस शैली में किया जाता है उसे बोलते हैं द्राविड़ शैली बोलते हैं। द्राविड़ शैली यानी कि द्राविड़ शैली है, इसकी कुछ अपनी विशेषताएं होंगी जिनके आधार पर हम बता सकते हैं कि ये मंदिर द्राविड़ शैली में बनाए गए हैं। और इसी तरह से नागर शैली और द्राविड़ शैली है, इसके मध्य में एक संक्रमण जोन पाया जाता है जिसको हम बेसर शैली के नाम से जानते हैं। देखिए बेसर जो शैली है,
ये कोई स्वतंत्र शैली आपको नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि ये नागर शैली और द्राविड़ शैली से कुछ कुछ विशेषताएं ले ली गई हैं, और उन्हीं विशेषताओं के आधार पर पता नहीं किसी का कॉल आ रहा है। देखिए आप लोग कॉल मत किया करिए, आप लोग भी क्लासेस हम हो सकता है रिकॉर्ड करते रहते, बहुत सारी चीजें आप लोग मैसेज कर दिया करिए, आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, ये यूपी ईट से ही मैसेज आ रहे, वो कॉल आ रहा है, यानी कि इधर ही कोई यहाँ से कोई कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अभी वेसर शैली के बारे में आप लोगों को बता रहे थे, तो नागर शैली से कुछ विशेषताएं ले ली गई हैं, कुछ द्राविड़ शैली से विशेषताएं ले ली गई हैं, और मिक्स करके जिन मंदिरों का निर्माण किया गया है उन्हें हम बोलते हैं वेसर शैली के मंदिर बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, और इन मंदिरों पर विभिन्न प्रकार के जो आपको मूर्तियां हैं वो उकेरी जाती हैं, अलंकरण किया जाता है, जिनमें हम जिनको देख करके हम उस समय के समाज को, उस समय की जो क्रियाएं होती हैं, उन सभी चीजों के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। अभी आप लोगों के लिए सविस्तार में बताते हैं। जैसे आपको नागर शैली के जो मंदिर होते हैं उनकी एक विशेषताओं में से एक देखने को मिलेगी कि बहुत सारी इस तरह से मूर्तियां हैं वो बनाई जाती हैं। तो देखिए मूर्तियों में आपको देखने को मिलेगा जो देवी देवता होते हैं उनके भी इस तरह से बहुत सारे चित्र होते हैं जिनको आप देख सकते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि हमारे प्राचीन काल से अब तक किन किन देवी देवताओं को पूजा जाता था और क्या क्या रीति रिवाज होते थे, उन सभी परंपराओं को, उन सभी चीजों को हम लोग समझ सकते हैं। तो बहुत अच्छी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलंकरण इस तरह से किया जाता है। आप यहाँ पर एक मूर्ति इस तरह से एक मतलब मूर्ति उकेरी गई है, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मेन व्यक्ति बैठा है और यहाँ पर और सारे लोग बैठे हैं, तो ये शिक्षा लेने के लिए या फिर न्याय लेने के लिए इस तरह से बैठे हुए हैं। और इधर आप लोग देख सकते हैं कि इधर हाथी हैं और घोड़ा है, यानी कि हाथी और घोड़े के साथ में इन लोगों का संबंध होता था, किस तरह के ये हथियार जो होते थे वो यूज करते थे, किस तरह के आभूषण जो होते हैं, वस्त्र होते हैं, किस तरह का पहनावा था, उन सभी चीजों के बारे में हमें सविस्तार में नॉलेज मिलती है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, यानी कि इनके पास ढाल है, बहुत बहुत सारी चीजें हैं, हाथियों को किस तरह से सजाया गया है वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और इधर इस तरह से बहुत सारी मूर्तियों को उकेरा जाता है, और यहाँ पर जो अप्सराएं होती हैं, ओके, यानी कि इस लोक के अलावा भी जो परलोक होता है, तो परलोक के देवी देवताओं के साथ में जो अप्सराएं होती हैं, परियां होती हैं, उनको भी यहाँ पर चित्रित किया गया, यानी कि उस काल में भी यहाँ पर इस तरह से परलोक की बातें की जाती थी। तो आप लोग इधर वाली चित्र देख सकते हैं, मतलब इमेज देख सकते हैं, तो इस तरह से सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ओके, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और इसके अलावा आपको बहुत सारी मिथुन टाइप की मूर्तियां भी देखने को मिलेंगी। मिथुन मूर्तियां उनको बोलते हैं जो काम वासना की, जो काम वासना को एक तरह से दर्शाती हैं, उन मूर्तियों को बोलते हैं। एक सेकंड, ये थोड़ा सा हैंग कर गया, अभी ये चलने लगेगा, फिर आप लोगों के लिए आगे दिखाते हैं। ओके, तो देखिए हमारे मंदिर हैं उनमें आपको बहुत विस्तृत जानकारी देखने को मिलेगी, और इसी तरह से आज आपको समझ में आएगा कि जो अयोध्या का मंदिर है वो किस शैली में बनाया जा रहा है, यानी कि जो हमारे अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना है वो किस शैली में बनाया जा रहा है। तो देखिए इधर आपको देखने को मिलेगा, देखिए इस तरह से यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, ये आपको नहीं दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर आपको कुछ एडल्ट भी दिख रही होंगी, खजुराहो और जो सूर्य मंदिर है, तो बहुत सारे मंदिरों में इस तरह की एडल्ट मूर्तियां हैं उनको भी उकेरा गया है, जिनमें ग्रुप सेक्स भी दिखाया गया है, किस तरह से ग्रुप सेक्स किया जाता है, और सारी मुद्राओं में इस तरह से दिखाया गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि मतलब अब कुछ लोग फर्स्ट टाइम हो सकते हैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हो, तो वो सोचते होंगे कि सर ऐसी क्या चीजें आप हमको पढ़ा रहे हैं, कि क्या जरूरत है। नहीं, आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आपको सारी चीजों को जानना जरूरी हो जाता है। और जो खुजराओ और जो कोकड़ मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं जिनको हमारे जो यूनेस्को की विश्व विरासत जिसको बोलते हैं उसमें भी उसको संजो करके रखा गया है, और इंडिया के लेवल पर भी उनको बहुत बड़े लेवल पे संरक्षण दिया जाता है, यानी कि विश्व धरोहर में जिन चीजों को रखा गया वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ना केवल स्त्री और पुरुष के साथ में यहाँ पर शारीरिक संबंधों को दिखाया गया है, बल्कि आप लोग देख सकते हैं कि स्त्री पुरुष के अलावा यहाँ पर किन्नरों को भी उकेरा गया है। वो वाली मूर्तियां हमने यहाँ पर शायद नहीं लगाई है, भूल गए लगाना। तो जो किन्नर हैं उनके लिए भी समाज में एक उनकी अहमियत होती थी, उनको एक जगह दी जाती थी, राजा रानियों की भी बहुत सारी मूर्तियां हैं वो भी उकेरी जाती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जानवर और मनुष्यों के बीच में भी संबंध दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कुछ बताने का, यहाँ पर हम कुछ भी टिप्पणी नहीं करने वाले हैं, अभी बाद में आगे हल्के हल्के आपको ले जाएंगे, फिर आपको सारी चीजों के बारे में सविस्तार में बताया करेंगे। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से कि
कि जो जानवर है शायद घोड़ा लग रहा है, उसके साथ में एक आदमी है जो मुनि टाइप का लग रहा है, ये शारीरिक संबंध बना रहे हैं मतलब इसके साथ में, तो आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए हम पहले बात करते हैं भारत में मंदिरों को किस प्रकार से बनाया जाता है, कौन कौन सी शैलियों में बनाया जाता है। तो आपको तीन शैलियां मुख्यतः देखने को मिलेगी, एक होती है जिसको बोलते हैं नागर शैली, दूसरी जो होती है द्राविड़ शैली, जो आपको बताए थे कृष्णा और कन्याकुमारी के बीच में जिस शैली में मंदिरों का निर्माण किया जाता है उसे बोलते हैं द्राविड़ शैली, और तीसरा आपको बेसर शैली में मंदिर देखने को मिलेंगे। ओके, और देखिए अयोध्या का मंदिर है, ये भी आप लोग देख करके आराम से बता सकते हैं कि किस शैली में बना हुआ आपको दिखाई देगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि आखिर बेसर शैली, नागर शैली और जो द्राविड़ शैली है, इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कैसी दिखती हैं। तो आपको सबसे पहले एक डायग्राम बनाना है, तो यहां से आपको नोट करना है मंदिरों की शैलियां। ओके, मंदिरों की शैलियां। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं नागर शैली के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नागर शैली के बारे में, इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, बहुत पतला है। ओके, नागर शैली, और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर कल क्लास क्यों नहीं मिली थी। देखिए अभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है, तो अभी थोड़ा सा बॉम्ब मीटिंग जैसा हमको लग रहा है, आज भी थोड़ा थोड़ा लग रहा था, तो आज हमने सोचा फिर भी क्लास आप लोगों के लिए दे देते हैं, थोड़ा सा बॉम्ब मीटिंग जैसा लग रहा था, तो इसीलिए कल क्लास आप लोगों के लिए एक दिन नहीं दे पाई थी। वैसे आपकी रेगुलर अब डेली क्लास आप लोगों की चल रही है। तो देखिए अगर हम नागर शैली की बात करें तो नागर शैली के मंदिरों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता था, तो देखिए नागर शैली का निर्माण की एक विशेषता, प्रमुख विशेषता आपको देखने को मिलेगी, इन मंदिरों का निर्माण चबूतरे पर किया जाता था। चबूतरा जिसको आप प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हैं एक तरह से, और इसी चबूतरे के लिए जिस नाम से जानते हैं उसको बोलते हैं जागती बोलते हैं। तो देखिए इस तरह से चबूतरा जो प्लेटफॉर्म होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा। ओके, तो इस तरह से ये चबूतरा जो होता है, देखिए हमारी ड्राइंग है वो ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोग बना लीजिएगा इस तरह से। ओके, एक सेकेंड, थोड़ा सा हैंग कर गया है। एक सेकेंड आप लोग रुकिए, तब तक तो पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा हैंग कर गया है, दूसरा बोर्ड ओपन कर लेते हैं, एक्चुअली ये बहुत हैंग करता है, पानी पता नहीं गड़बड़ गड़बड़ क्यों लग रहा है आजकल। चलिए दूसरा बोर्ड ओपन कर लेते हैं, ये वाला बोर्ड थोड़ा हैंग कर रहा है। ओके, बस एक सेकंड रुकिए, इसको थोड़ा सा चलने दीजिए, फिर दूसरे बोर्ड पर आप लोगों को पढ़ाते हैं, वो बिल्कुल भी हैंग नहीं करता। एक्चुअली इस पर राइटिंग थोड़ी अच्छी आती है, उस पर राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आती है, लेकिन वो वाला हैंग नहीं करता, ये वाला थोड़ा सा हैंग करता रहता है, पता नहीं क्यों। बस एक सेकंड आप लोग रुकिए, ये अभी एक गोला गोला घूमना बंद हो जाए, तो देखिए इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, इसको बंद कर देते हैं, दूसरा वाला ओपन कर लेते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, वरना ये भी बहुत सारा रैम लेता रहता है। ओके, देखिए ओपन हो गया है, ये वाला बिल्कुल भी हैंग नहीं करता, इस पर ये बहुत ही स्मूथ भी चलता है, इसी पर आप लोगों के लिए पढ़ाते हैं। ये देखिए आपको कुछ इस तरह से मंदिर देखने को मिलेगा, हम लोग देख रहे थे नागर शैली में मंदिरों के बारे में। ओके, नागर शैली। ओके, तो देखिए नागर शैली किस तरह की होती है, तो नागर शैली आपको देखने को मिलेगी कुछ इस तरह से, देखिए चबूतरा होता है,
देखिए इस तरह से कुछ आपको चबूतरा देखने को मिलेगा। आप लोगों के लिए भी मैप बना रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना है कि हम लोगों के लिए नहीं बनाना, सर तो बना दिए। ओके कुछ देखिए इस तरह से, मान लीजिए चबूतरा है ओके, जिसको बोलते हैं जागती। ये क्या है? चबूतरा। ओके इसी के लिए दूसरी भाषा में बोलते हैं जागती बोलते हैं। ओके अब देखिए इसी चबूतरे के ऊपर मंदिर का निर्माण किया जाता है। अब देखिए मंदिर किस तरह से बना हुआ होता है, तो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से मंदिर आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है मानते हैं? मेन मंदिर है ओके। और देखिए ये मेन मंदिर होता है और इसके ऊपर ऐसे जो रेखीय में, देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरह से जो रेखीय होता है इस तरह से बनाया जाता है मंदिर, कुछ आपको देखने को मिलेगा। और नीचे आपको इस तरह से गर्भगृह इसमें देखने को मिलेगा। आप लोगों ने मंदिर कभी गए होंगे तो बीच में क्या होता है, इस तरह से गर्भगृह होता है ओके। इसी को क्या बोलते हैं? गर्भगृह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्भगृह बोलते हैं। और देखिए इस मंदिर के इस तरह से चारों ओर आपको इस गर्भगृह के चारों ओर इस तरह से रास्ता देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं दक्षिणापथ मार्ग बोलते हैं। इस पर क्या होता है कि इस तरह से लोग होते हैं वो चारों ओर परिक्रमण कर सकते हैं, तो उसके लिए एक मार्ग बनाया जाता है जिसको बोलते हैं दक्षिणापथ मार्ग के नाम से जिसको जानते हैं। और देखिए इस मंदिर को यहाँ पर जो इसका जो शिखर होता है वो आपको देखने को मिलेगा रेखीय, मतलब रेखा के अनुसार आपको एक शिखर देखने को मिलेगा, रेखीय शिखर या फिर रेखा के अनुसार यहाँ पर इस तरह से शिखर का निर्माण किया जाता है ओके। और फिर देखिए इसका जो ऊपर का पीक होता है, इसी पीक पर आपको एक आमलक देखने को मिलेगा, जो कलश की तरह आपको देखने को मिलेगा ना, उसी को बोलते हैं आमलक बोलते हैं। तो देखिए इस तरह से कुछ कलश होता है, उसका निर्माण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये क्या होता है? ये आमलक होता है, आमलक होता है ओके। और इसके ऊपर इस तरह से एक कलश बना हुआ भी आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से एक ऊपर क्या बना हुआ दिखेगा आपको, एक कलश दिखा हुआ दिखेगा। ये क्या है? कलश आपको देखने को मिलेगा। और देखिए जो मेन मंदिर होता है और मेन मंदिर के बाद में आपको देखने को मिलेंगे और भी, जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा बना हुआ इसके आगे होता है जिसको बोलते हैं महामंडप बोलते हैं, महामंडप बोलते हैं ओके। महामंडप के बाद में फिर से एक इसी तरह से आगे इसके बना हुआ होता है जिसको बोलते हैं अर्ध मंडप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध मंडप बोलते हैं। और अर्ध मंडप के बाद में आपको देखने को मिलेगा इस तरह से निरत मंडप भी बना हुआ होता है, निरत मंडप भी बना हुआ होता है ओके। तो इस तरह से कुछ संरचनाएं होती हैं वो बनी हुई होती हैं, इसी को बोलते हैं नागर शैली के मंदिर बोलते हैं। तो चलिए नागर शैली के मंदिरों की हम विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। और नागर शैली के मंदिरों को कभी कभार पंचायतन शैली में भी बनाया जाता है। पंचायतन शैली के अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि एक मेन यहाँ पर मंदिर होता है, इसके अलावा चारों कोनों पर ऐसे छोटे छोटे सहायक देवी देवताओं के मंदिर या फिर राजा रानियों के मंदिर इस तरह से चारों कोनों पर बने हुए होते हैं। तो इसकी एक विशेषता आपको देखने को मिलेगी, कभी कभार पंचायत शैली में भी नागर मंदिरों को बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग नागर मंदिरों के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में। तो यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है विशेषताएं। विशेषताएं ओके, चलिए विशेषताओं के बारे में लिख लीजिए पॉइंट फॉर्म में वन बाई वन। नागर मंदिर मुख्यतः, जल्दी जल्दी आप लोग नोट करिए, नागर मंदिर मुख्यतः उत्तर भारत में, नागर मंदिर मुख्यतः उत्तर भारत में बिंद से लेकर देखिए जो हार्ड वर्ड होते होंगे उनको हम लिख देंगे ओके। बिंद से लेकर हिमालय के बीच में बनाए जाते हैं, बिंद से लेकर हिमालय के बीच में बनाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट आप लोगों के लिए लिखना है, नागर मंदिरों का निर्माण ऊंचे चबूतरे या नागर मंदिरों का निर्माण ऊंचे चबूतरे या अधिष्ठान पर किया जाता है ओके। ऊंचे चबूतरे के लिए अधिष्ठान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिष्ठान ओके, अधिष्ठान। या फिर इसके लिए जागती भी बोलते हैं,
बहुत नामों से इसको जाना जाता है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। या फिर इसको जागती भी बोलते हैं, जागती पर किया जाता है, जागती पर किया जाता है इसका गर्भगृह। देखिए ये बहुत मुख्य बात है, इसका गर्भगृह, इसका गर्भगृह, गर्भगृह वर्गाकार होता है। कैसा होता है इसका गर्भगृह? जो इसका गर्भगृह होता है वो वर्गाकार आपको देखने को मिलेगा, वृत्ताकार नहीं होता है। क्या होता है? वर्गाकार आपको देखने को मिलेगा। ओके, वर्गाकार होता है। गर्भगृह के ऊपर का शिखर, गर्भगृह के ऊपर का शिखर, गर्भगृह के ऊपर का शिखर एक रेखा के रूप में, एक रेखा के रूप में, एक रेखा के रूप में वक्राकार ढंग से खींचा जाता है। वक्राकार ढंग से, देखिए वक्राकार कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से वक्राकार, वक्राकार ढंग से खींचा जाता है। फलतः इसके शिखर को, फलतः इसके शिखर को रेखीय, इसके शिखर को, इसके शिखर को रेखीय, या फिर रेखीय के अलावा इसको, इस शिखर को नागर शिखर भी बोला जाता है। ओके, नागर या आर्य शिखर भी बोला जाता है। आर्य शिखर, आर्य शिखर भी बोला जाता है। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी, रेखीय नागर या आर्य शिखर भी बोला जाता है, आर्य शिखर भी बोला जाता है। शिखर के ऊपर सर्वोच्च भाग पर, शिखर के ऊपर सर्वोच्च भाग पर, सर्वोच्च भाग पर आमलक, आमलक जो आपको देखिए चक्राकार देखने को मिलेगा। ओके, कैसा होता है? चक्राकार संरचना का होता है। आमलक तथा कलश बने होते हैं, आमलक तथा कलश बने होते हैं, आमलक तथा कलश बने होते हैं। ओके, तीसरा पॉइंट आप लोगों को लिखना है, गर्भगृह के चारों तरफ, गर्भगृह के, गर्भगृह के चारों तरफ अंतराल होता है, गर्भगृह के चारों तरफ अंतराल होता है, अंतराल होता है जिसका प्रयोग दक्षिणापथ के रूप में किया जाता है, जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग दक्षिणा, सॉरी यहां पर दक्षिणा नहीं, प्रादक्षिणा लिखिए, प्रादक्षिणा, प्रा दक्षिणा पथ के रूप में किया जाता है, प्रादक्षिणा पथ के रूप में किया जाता है, प्रादक्षिणा पथ के रूप में किया जाता है। ओके, इसी तरह से आपको चौथा पॉइंट लिखना है, बड़े नागर शैली, बड़े नागर शैली के मंदिरों में, बड़े नागर शैली के मंदिरों में गर्भगृह के सामने, गर्भगृह के सामने, गर्भगृह के सामने अन्य संरचनाएं जैसे, अन्य संरचनाएं जैसे, अन्य संरचनाएं जैसे महामंडप, महामंडप कौमा अर्ध मंडप, अर्ध मंडप कौमा नृत्य मंडप, नृत्य मंडप यादि बने होते हैं, यादि बने होते हैं, यादि बने होते हैं। पांचवा पॉइंट लिखिए,
कभी कभी कुछ नागर मंदिरों को कभी कभी कुछ नागर मंदिरों को पंचायतन शैली में, शैली में बनाया जाता है, बनाया जाता है। इसके तहत मुख्य देवता का मंदिर, इसके तहत मुख्य देवता का मंदिर, इसके तहत मुख्य देवता का मंदिर काफी भव्य तथा बीच में होता है, काफी भव्य तथा बीच में होता है एवं चारों कोनों पर चार छोटे छोटे सहायक देवी देवताओं के मंदिर बनाए जाते हैं। चार छोटे छोटे सहायक देवी देवताओं के मंदिर बनाए जाते हैं। ओके, इसी तरह से आपको छठा पॉइंट लिखना है। अनेक नागर मंदिरों के बाहरी भागों में, अनेक नागर मंदिर के बाहरी भागों में आला, जिसको ताक भी बोलते हैं, ओके, जिसको ताका भी बोलते हैं, जो ताक होता है ना, जैसे हम लोगों ने घरों में, अगर गांव में रहते होंगे तो ये जो दीवार होती है उसको काट करके ताक बना दिया जाता है, फिर उसमें सामान वामान हम लोग रखने लगते हैं, उसी को बोलते हैं आला। काटकर अनेक प्रकार के मूर्तियों से, आला काटकर अनेक प्रकार के मूर्तियों से सजाया जाता है, अनेक प्रकार के मूर्तियों से सजाया जाता है। इन मूर्तियों में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां, इन मूर्तियों में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां, देवी देवताओं की मूर्तियां, कौमा लोक विषय, कौमा लोक विषय से संबंधित मूर्तियां, से संबंधित मूर्तियां, ब्रैकेट में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, जैसे जैसे नाग, अप्सराएं, अप्सराएं, कौमा जो मिथुन मूर्तियां होती हैं जो अभी हम आप लोगों को दिखाए थे, यादि, यादि, आम स्त्री पुरुष, आम स्त्री पुरुष यादि की मूर्तियां होती हैं, यादि की मूर्तियां होती हैं, यादि की मूर्तियां होती हैं। इन्हें देवगढ़, इन्हें देवगढ़, जैसे कि आपको जो यूपी में देखने को मिलेगा, देवगढ़, कौबा, कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव जो आपको खुजराहो में देखने को मिलेगा, खुजराहो में जो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको कोकड़ मंदिर, ओके, जो आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। इसके अलावा भुवनेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर मंदिर यादि के मंदिरों में देखा जा सकता है, यादि के मंदिरों में देखा जा सकता है, यादि के मंदिरों में देखा जा सकता है। ओके, लिख लिया, यादि के मंदिरों में देखा जा सकता है। देखिए, पंचायत शैली में जो जो मंदिरों का निर्माण किया गया, अगर उनके एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख लीजिए, पंचायत मंदिर के उदाहरण,
जो पंचायतन शैली में जो मंदिरों का निर्माण किया गया है उनका आप लोग अगर उदाहरण लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। नंबर एक, जो दशा अवतार मंदिर देवगढ़ में आपको देखने को मिलेगा, दशा अवतार मंदिर जो आपको देवगढ़ में देखने को मिलेगा, जो वहां है उत्तर प्रदेश में, यूपी में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंदरिया महादेव जो खुजराहो का में आपको देखने को मिलेगा, कंदरिया महादेव का मंदिर जो आपको खुजराहो में देखने को मिलेगा। इसके अलावा लक्ष्मण मंदिर आपको देखने को मिलेगा, लक्ष्मण मंदिर ये भी कहाँ है, खुजराहो में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा चौथा आपको ब्रह्मेश्वर का मंदिर आपको देखने को मिलेगा, ब्रह्मेश्वर का मंदिर ये भुवनेश्वर में है, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा लिंगराज का मंदिर, लिंगराज का मंदिर ये भी आपको भुवनेश्वर उड़ीसा में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अर्शावली का मंदिर, अर्शावली का मंदिर, अर्शावली का मंदिर जो आंध्र प्रदेश में है, कहाँ है, जो आपको आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर पंचायतन शैली में आपको मंदिर देखने को मिलेंगे। अगर आप इन लोग इन मंदिरों की पिक देखना चाहते हैं तो एक बार गूगल पर आप लोग सर्च करिए, ओके, तो आपको सभी मंदिरों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। उसके एक बार पिक्चर देख आप लोग देख सकते हैं खुद भी जा करके, ओके। हम यहाँ पर क्या दिखाएं आप लोगों को, आप लोग खुद भी जा करके देख सकते हैं, ओके। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको लिखने का प्रयास करना है आप लोगों को। नागर मंदिर, नागर मंदिर की विशेषताओं का सचित्र वर्णन कीजिए, नागर मंदिर की विशेषताओं का सचित्र वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए, ओके। ये आप लोगों को 250 शब्दों में लिखना है, ओके। इसके अलावा ये क्वेश्चन और लिख लीजिए, मंदिरों की पंचायतन शैली से आप क्या समझते हैं, मंदिरों की पंचायतन शैली से आप क्या समझते हैं, शैली से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, भारत के कुछ प्रमुख पंचायतन मंदिरों का उदाहरण, पंचायतन मंदिरों का उदाहरण देते हुए एक सूची बनाएं या फिर बनाइए, ओके। ये भी आपको 250 शब्दों में लिखना है, आप लोग आराम से लिख लेंगे सारी चीजों के बारे में आप लोगों को बता दिया गया है। चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं जो द्राविड़ शैली के मंदिर हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जो नागर शैली के मंदिर हैं उनका निर्माण कहाँ पर किया जाता था, तो आप लोग इस तरह से अगर मैप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस तरह से एक मैप भी डाल सकते हैं। तो इधर आपको इस तरह से ये विंध्यन रेंज देखने को मिलेगी, विंध्यन श्रेणी, ओके। तो विंध्यन श्रेणी से लेकर के इस तरह से ये हिमालय आपको देखने को मिलेगा, ओके, ये हिमालय देखने को मिलेगा। इसके बीच में जो मंदिरों का निर्माण किया जाता था वो कौन से हैं, नागर शैली के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, ओके। तो इस तरह से आप लोग लोकेट भी कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं द्राविड़ शैली में जो मंदिरों का निर्माण किया जाता है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ओके।
द्रविड़ शैली के मंदिर। ओके, अगर देखिए हम द्रविड़ शैली के मंदिरों की विशेषताओं की बात करें तो देखिए यहाँ पर कहाँ पर ये बनाए जाते थे, तो आपको इस तरह से इसका भी एक मैप बना लेना है छोटा सा। तो देखिए इधर आपको देखने को मिलेगी कृष्णा घाटी देखने को मिलेगी। ओके, कृष्णा से लेकर के इधर आपको यहाँ पर कन्याकुमारी देखने को मिलेगा। ओके, तो इस बीच में कृष्णा से लेकर के कन्याकुमारी वाला जो रीजन है, ओके, ये वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो मंदिरों का निर्माण किया जाता था वो किस शैली में किया जाता था? द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण किया जाता था। ओके, तो आप लोग दक्षिण भारत में देख सकते हैं इस तरह से जो द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण किया जाता है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर किस तरह के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। देखिए इन मंदिरों की विशेषता आपको देखने को मिलेगी कि ये मंदिर है ये धरातल से ही बनना समानता प्रारंभ हो जाते हैं। इनके लिए चबूतरे की आवश्यकता नहीं होती है, जो प्लेटफॉर्म जिसको हम जागती या फिर अधिष्ठान बोले थे उसकी आवश्यकता नहीं होती है, इसकी अनिवार्य विशेषता नहीं है। कुछ मंदिरों में देखने को मिलेगा लेकिन समानता ही उनकी विशेषता नहीं देखने को मिलेगी। डायरेक्ट जैसे हम लोग घर बनाना स्टार्ट करते हैं धरातल से, उसी तरह से धरातल से ये मंदिर भी बनना प्रारंभ हो जाते हैं। और इन मंदिरों को चार दीवारी के अंदर बनाया जाता है, मतलब बाउंड्री के अंदर बनाया जाता है इन मंदिरों के लिए। इसकी एक विशेषता देखने को मिलेगी और साथ में एक बहुत बड़ा विशाल प्रवेश द्वार होता है, यानी कि चार दीवारी के अंदर बनाया जाएगा तो एक प्रवेश द्वार भी तो होगा। ओके, और वो प्रवेश द्वार होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत भव्य होता है, जिसको गोपुरम के नाम से जानते हैं। ओके, और यहाँ पर जो मंदिर बनाए जाते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी बात किया था नागर शैली में जो मंदिर बनाए जाते हैं वो रेखीय होते हैं। कैसे होते हैं? रेखीय होते हैं, लेकिन यहाँ पर पिरामिड नुमा बनाए जाते हैं और तल्ले के ऊपर तल्ले, मतलब घटते क्रम में आपको देखने को मिलेंगे। उस तरह से मंदिरों का निर्माण किया जाता है। और यहाँ पर मंदिरों की एक विशेषता देखने को मिलेगी कि इन्हीं चार दीवारी के अंदर एक तालाब भी मंदिरों की एक खास विशेषता देखने को मिलेगी, और सहायक देवी देवताओं के मंदिर भी होते हैं। तो देखिए मंदिर किस तरह से होते हैं, तो देखिए इस तरह से मंदिर होता है, ये मानते हैं मेन मंदिर है। ओके, ये क्या है? मेन मंदिर बना लेते हैं हम लोग। ये क्या है? मेन मंदिर है। ओके, अब देखिए जो मेन मंदिर है ना, इसको इस तरह से घटते क्रम में इस तरह से बनाया जाता है। ओके, इस तरह से घटते क्रम में बनाया जाता है। देखिए हमसे ज्यादा अच्छे से नहीं बनना है, आप लोग बना लीजिएगा। ओके, और इसके ऊपर इस तरह से एक एक गोल गोल इस तरह से स्तूपिका नामक एक चीज होती है, इसके ऊपर क्या होता है? स्तूपिका होती है। जैसे कि वहां पर क्या होता है? कलश होता है और आमलक होता है, लेकिन यहाँ पर एक विशेषता आपको क्या देखने को मिलेगी? स्तूपिका होती है। और यहाँ पर भी इस तरह से आपको गर्भगृह देखने को मिलेगा। एक मुख्य मंदिर है तो इसके बीच में क्या होता है? इस तरह से गर्भगृह होता है। ये क्या है? गर्भगृह आपको देखने को मिलेगा। आप लोगों के लिए भी इस तरह से मैप बनाना है, मतलब सचित्र वर्णन करना है। ओके, और इस तरह से चारों तरफ इस तरह से यहाँ पर अंतराल होता है इस गर्भगृह के चारों ओर घूमने के लिए। ये प्रदक्षिणा पथ आपको मार्ग देखने को मिलेगा। लिखना चाहते तो लिख लीजिए, प्रदक्षिणा पथ मार्ग। ओके, प्रदक्षिणा पथ मार्ग आपको देखने को मिलेगा। और देखिए इस तरह से घटते क्रम में होता है, इसका शिखर आपको पिरामिड नुमा इसका शिखर आपको देखने को मिलेगा। ये शिखर कैसा होता है? पिरामिड नुमा आपको देखने को मिलेगा। ओके, पिरामिड नुमा शिखर होता है और इसके लिए विमानन बोलते हैं। इसी शिखर को क्या बोलते हैं? विमानन बोलते हैं। तो आप लोग ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा इस तरह से, जिससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। इसको क्या बोलते हैं? विमान बोलते हैं। ओके, तो ये चीज आप लोगों के लिए ध्यान रखनी है। अब देखिए मेन मंदिर होता है, उसके बाद में विभिन्न स्तंभों पर, यहाँ पर इसकी एक विशेषता क्या होती है? ये मंदिर होते हैं, ये मंदिर विभिन्न स्तंभों पर बनाए जाते हैं। ओके, स्तंभ इसमें ज्यादा बहुसंख्यक में स्तंभों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इस तरह से स्तंभ होते हैं, उन स्तंभों पर आगे बनाया जाता है। इस तरह से महामंडप आपको देखने को मिलेगा, अर्ध मंडप देखने को मिलेगा, आपको नंदी मंडप देखने को मिलेगा। इस तरह से विभिन्न मंडपों का निर्माण इस तरह से किया जाता है। तो लिख लीजिए,
महामंडप, ओके, ये ऊपर लिख देते हैं क्योंकि इसमें हमको क्या बनाना पड़ेगा, स्तंभ भी बनाने पड़ेंगे। तो देखिए ऊपर यहां पर लिख देते हैं महामंडप, ये अर्ध मंडप है, अर्ध मंडप है, और एक आपको नंदी मंडप देखने को मिलेगा, नंदी मंडप आपको देखने को मिलेगा। और देखिए जो ये बने हुए होते हैं आपको विभिन्न इस तरह से स्तंभ देखने को मिलेंगे, तो स्तंभ हम दूसरे कलर से बना देते हैं। तो देखिए इस तरह से विभिन्न स्तंभों पर ये टिका हुआ होता है, ओके, इस तरह से विभिन्न स्तंभों पर ये टिका हुआ आपको देखने को मिलेगा, ओके। इस तरह से ये सभी होते हैं, इसी तरह से स्तंभों पर टिके रहते हैं। आप देखिए इतने बड़े हम कलाकार नहीं है जो आपको बहुत अच्छे से बना दें, ओके। और इसी तरह से मंदिर के परिसर में ही आपको एक तालाब देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, इस तरह से एक तालाब। इन मंदिरों की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि इन मंदिरों के परिसर के अंदर ही तालाबों का निर्माण किया जाता है। और देखिए ये जो मंदिर होते हैं आप देखेंगे इन मंदिरों को चार दीवारी के अंदर बनाया जाता है, इस तरह से देखिए चार दीवारी के अंदर बनाया जाता है। हम एक लाइन खींच देते हैं, इस तरह से इन मंदिरों को चार दीवारी के अंदर बनाया जाता है, मतलब बाउंड्री होती है चारों तरफ इस तरह से, ओके। अब देखिए जो ये मंदिर होता है यहाँ पर एक बहुत बड़ी विशेषता होगी, इसका जो प्रवेश द्वार होता है वो बहुत भव्य होता है, जिसको गोपुरम बोलते हैं। तो इस तरह से बहुत भव्य टाइप का एक आपको देखने को मिलेगा, ये क्या है, एक तरह से समझ लीजिए प्रवेश द्वार है, ओके। अब देखिए आपको इसी तरह से प्रवेश द्वार आपको बना मिला, ये क्या है, प्रवेश द्वार, ओके, जिसको क्या बोलते हैं, गोपुरम बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, गोपुरम बोलते हैं, इस भव्य द्वार के लिए, प्रवेश द्वार के लिए गोपुरम बोलते हैं। और देखिए इसी परिसर के अंदर सहायक देवी देवताओं और राजा रानियों के भी मंदिर आपको देखने को मिलेंगे साइड से, ओके। ये क्या है, सहायक मंदिर, सहायक मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, सहायक देवी देवताओं के मंदिर, ओके, इस तरह से दोनों तरफ होते हैं, और राजा रानियों के भी आपको कोने पर मंदिर देखने को मिलेंगे, ओके। इस तरह से ये द्राविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण किया जाता है, ओके। तो चलिए द्राविड़ मंदिरों की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। विशेषताएं, ओके, द्राविड़ मंदिर की जो मंदिर है उनकी विशेषताओं के बारे में हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो पॉइंट फॉर्म में आपको लिखना है, नंबर एक, द्राविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण, द्राविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से कृष्णा से कन्याकुमारी के बीच, द्राविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण, द्राविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से कृष्णा से कन्याकुमारी के बीच, कृष्णा से कन्याकुमारी के बीच वर्तमान तमिलनाडु, केरल, कौमा निचला आंध्र प्रदेश, वर्तमान तमिलनाडु, तमिलनाडु, केरल, कौमा निचला आंध्र प्रदेश, निचला आंध्र प्रदेश यादि के बीच किया जाता है, यादि के बीच किया जाता है, यादि के बीच किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, द्राविड़ मंदिरों में, द्राविड़ मंदिरों में ऊंचा चबूतरा नहीं होता है, द्राविड़ मंदिरों में ऊंचा चबूतरा नहीं होता है, ये मंदिर धरातल से ही, ये मंदिर धरातल से ही, ये मंदिर धरातल से ही बनना प्रारंभ हो जाते हैं, धरातल से ही
बनना प्रारंभ हो जाते हैं। ओके, तीसरा पॉइंट आप लोगों को लिखना है, द्राविड़ मंदिरों का गर्भगृह, द्राविड़ मंदिरों का गर्भगृह, द्राविड़ मंदिरों का गर्भगृह वर्गाकार होता है, वर्गाकार होता है, वर्गाकार होता है। गर्भगृह के ऊपर का शिखर, गर्भगृह के ऊपर का शिखर पिरामिडाकार होता है, पिरामिडाकार होता है। पिरामिडाकार होता है जो तल्ले के ऊपर तल्ला, जो तल्ले के ऊपर, जो तल्ले के ऊपर, जो तल्ले के ऊपर तल्ला, जो तल्ले के ऊपर तल्ला घटते क्रम में बना होता है, घटते क्रम में बना होता है, घटते क्रम में बना होता है। शिखर के सर्वोच्च भाग पर, शिखर के सर्वोच्च भाग पर, शिखर के सर्वोच्च भाग पर स्तूपिका, शिखर के सर्वोच्च भाग पर स्तूपिका नामक संरचना बनी होती है, नामक संरचना बनी होती है, नामक संरचना बनी होती है। गर्भगृह के चारों तरफ, नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को लिखना है, चौथा पॉइंट है, गर्भगृह के चारों तरफ अंतराल होता है, गर्भगृह के चारों तरफ अंतराल होता है, गर्भगृह के चारों तरफ अंतराल होता है जिसका प्रयोग प्रदक्षिणा पथ के रूप में किया जाता है, जिसका प्रयोग प्रदक्षिणा पथ के रूप में किया जाता है, प्रदक्षिणा पथ के रूप में किया जाता है, किया जाता है। पांचवा पॉइंट आप लोगों के लिए लिखना है, गर्भगृह के सामने, गर्भगृह के सामने बहुसंख्यक स्तंभों पर, बहुसंख्यक स्तंभों पर, बहुसंख्यक स्तंभों पर टिका महामंडप कौमा अर्ध मंडप, महामंडप कौमा अर्ध मंडप तथा नंदी मंडप जैसी संरचनाएं, तथा नंदी मंडप जैसी संरचनाएं बनी होती हैं, बनी होती हैं। आप लोगों के लिए छठा पॉइंट लिखना है, द्राविड़ मंदिर समानता, द्राविड़ मंदिर समानता चार दीवारी के भीतर, चार दीवारी के भीतर बनाए जाते हैं, चार दीवारी के भीतर बनाए जाते हैं। अधिकांश मामलों में, अधिकांश मामलों में प्रांगण के भीतर, अधिकांश मामलों में प्रांगण के भीतर तालाब तथा कोनों पर, अधिकांश मामलों में प्रांगण के भीतर तालाब तथा कोनों पर सहायक देवी देवताओं, सहायक देवी देवताओं या राजा रानियों के मंदिर बनाए जाते हैं, सहायक देवी देवताओं या राजा रानियों के मंदिर बनाए जाते हैं, मंदिर बनाए जाते हैं। आपको सातवां पॉइंट लिखना है, द्राविड़ मंदिरों का प्रवेश द्वार काफी भव्य,
द्राविड़ मंदिरों का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार काफी भव्य, द्राविड़ मंदिरों का भव्य एवं विशाल होता है, भव्य एवं विशाल होता है, भव्य एवं विशाल होता है, जिसे गोपुरम कहते हैं, जिसे गोपुरम कहते हैं, जिसे गोपुरम कहते हैं। द्राविड़ मंदिरों के बाहरी, द्राविड़ मंदिरों के बाहरी भाग में मंडप, मंडपों से लेकर द्राविड़ मंदिरों के बाहरी, द्राविड़ मंदिरों के बाहरी भागों में मंडपों से लेकर शिखर तक, मंडपों से लेकर शिखर तक अनेक देवी देवताओं तथा लोक विषयों से संबंधित, लोक विषयों से संबंधित, लोक विषयों से संबंधित मूर्तियों से, मूर्तियों से अलंकरण किया जाता है। अलंकरण, अलंकरण किया जाता है। विहदेश्वर, बृहदेश्वर तथा मीनाक्षी मंदिर, तथा मीनाक्षी मंदिर, तथा मीनाक्षी मंदिर में बरामदे के भीतर, बरामदे के भीतर देवी देवताओं के चित्र भी प्राप्त होते हैं, के चित्र भी प्राप्त होते हैं, के चित्र भी प्राप्त होते हैं। ओके, देखिए आज के लेक्चर है वो यहाँ पर ही फिनिश कर देते हैं। ओके, एक्चुअली कॉल आ रहा है, नीचे हमको जाना है, अभी खाना भी बनाना है, ऐसा करके काफी लेट हो गया है, 9:40 होने वाला है लगभग में, और फिर खाना बनाएंगे वरना 12-1 बज जाएगा। ओके, तो इस वजह से अभी जाना पड़ेगा क्योंकि अभी रात हो गई है। आप लोग ये लेक्चर अभी अपलोड कर दिया जाएगा, अभी आप लोगों के लिए थोड़ी देर में मिल जाएगा। ओके, और आप लोगों के लिए डेली एक लेक्चर आपको डेली मिला करेगा। ओके, चलिए अभी लेक्चर फिनिश करते हैं, और 27 जून से हमारी सारी बैचेस स्टार्ट होंगी, तो वहां पर आपको लगभग में 6 से 7 घंटे के डेली आप लोगों के लिए क्लासेस मिला करेंगे। ओके, चलिए आज के लेक्चर यहाँ पर ही फिनिश।